करना पड़ता है। सच्चाई तो ये है कि आपको अपने झूठे अहंकार को ही मिटाना है। जब तक आप कुछ बन के बैठे हो, आपको शब्द भी लगेगा, किसी का कर्म भी अच्छा बुरा लगेगा, दुख सुख भी लगेगा। बात तो गुरु की एक ही है कि इस आपे को मिटा दो। तब तक तो मिथ्या करना मुश्किल है ना। जब आप एक चीज़ को अपने से लागू कर बैठे, अब उसको मिथ्या कैसे करोगे? समझो आप कोई गलत चीज़ खा गए, अब उसके बाद तबीयत बिगड़ गई, अब आप सोचने लगो या कहने लगो ये ना खाना नहीं चाहिए, ये ना खाना नहीं चाहिए, तो खा चुके हो। अब तो असर दिखाएगा वो अपना। अब किसी के शब्द आप अंदर ले जा चुके हो, अब तो वो असर दिखाएंगे अपना। तो पहले तो आपको इनकार ही अपने जीव भाव से करना है ना। जब तक आप अपने जीव भाव से इनकार नहीं करोगे, तब तक आपको सामने से आती हुई हर बात का असर होगा और अपने पर भी पूरा संयम नहीं हो सकेगा। जब तक हम शरीर की मैं में जाग रहे हैं, तब तक हम किसी भी विकार से, किसी भी बात से उपराम कैसे हो सकते हैं? ये कोई खेल तो है नहीं। गुरु ने बोला वर्णमाला के शब्द वर्णमाला में फिट कर दो, मतलब मिथ्या करके जानो। अब ये थोड़ी है कि किसी ने आपको गधा कहा तो आप वर्णमाला में देखो कि तीसरे नंबर पे गा लिख दूं, फिर धा उधर लगाया हूँ जाके, मतलब समझो गुरु की बात का। आप सोचते हो शायद बाहर से कुछ करने की ज़रूरत है, बाहर से तो क्या कर सकते हैं। आपको अपना झूठा अभिमान मिटाने की ज़रूरत है जो बन के बैठे हो। देखो जब तक कोई बन के बैठा है, तब तक उसके अपने कर्म स्वभाव भी गलत हैं, जब तक के वो अपनी मैं ना मिटा ले। और सामने से जो आएगा उसकी प्रतिक्रिया तो होगी ही होगी। हम कहें प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रतिक्रिया तो हो ही जाएगी, क्योंकि आपने अपने में मान लिया। ये जो मानने वाला झगड़ा है ना, ये बहुत बड़ा है। उड़ाते नहीं हैं, लागू कर लेते हैं, अपनी मस्ती में इतने नहीं होते कि सामने वाले का शब्द, सामने वाले की बात हमको असर ना करके जाए। चक्कर तो सारा ये वाला है। अगर हम अंदर से इतने जागृत हो जाएं कि हम अपने मौज में रहें, आनंद में रहें, मस्ती में रहें, तो इन सब बातों का क्या असर होगा? कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन जो अपनी मस्ती में नहीं है, उसके पास इन सब चीज़ों का असर है। मन खाली है तो जगत के विषयों में जा लगता है। जिसका मन खाली नहीं है, वो जगत के विषय में कहाँ लगेगा? जिसका मन परमात्मा से मिल गया, एक हो गया, तो कोई बात ही नहीं है ना। फिर आप खाली छोड़ते हो मन को तो उलझन में आते हो। अब देखो जैसे आज के दिन आप लोगों के यहाँ किसी एरिया में सत्संग नहीं होता शाम का, तो आप लोग सब इधर आते हो, है ना भाई? एक दिन रखा हुआ है, हम सब उधर ही जाएंगे। अब वही समझो कोई किसी कारण ना आ पाए, अब उसकी शाम खाली हो जाएगी अगर नहीं आ पाएगा। ऐसे अगर मन आपका परमात्मा में बिजी है तो ये कोई विषय ढूंढ ही नहीं पाएगा, टाइम ही नहीं है। सुना है आपने, छोटेपन से बड़े लोग बोलते आए हैं मरने की फुर्सत नहीं है हमारे पास, ना मरने की फुर्सत नहीं है। मतलब वो इतने बिजी हैं कि वो सोचते हैं शायद मौत भी आएगी तो अभी उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा, हम मर ही नहीं सकते, टाइम ही नहीं है। मतलब बिजीनेस से कितने ज़्यादा बिजी हैं। अगर हम अपने आप को ज्ञान में, गुरु में इतना बिजी कर लें, अब जो लोग आप आ जाते हो भाई आज के दिन हम लोग सत्संग नहीं रखते, हम सब उधर जाते हैं, अब जो लोग आप आ जाते हो, आपके पास शाम तक टाइम नहीं,
दोपहर को तो पहुंचोगे जाके देरी से, खाना वाना खाओगे, थोड़ा घर समेटोगे, राती हो जाएगी, पर किसी कारण कभी समझो ना आ पाओ, फिर देखो लगता है सारी शाम क्या करें, खाली हैं, और आ जाओ, आ गए, सत्संग सुना, बाद में थोड़ी देर हमसे बैठ गए या रुक गए, बात कर ली, किसी और से बात की, फिर गए, सारा दिन उल्टा ज़्यादा बिजी हो गया। अब अगर आप अपने मन को बिजी कर लो गुरु में, ज्ञान में, तो आपके पास भी फुर्सत नहीं। तब हम लोगों के पास छुट्टियां होती थीं, भगवान बोलते थे यहाँ आ जाओ, अब जब जाओ ना वापस स्कूल, अब सारे बच्चे बोलते थे क्या किया, गर्मी की छुट्टियां तो गर्मी की, दशहरे की हुई, विंटर ब्रेक हुए, भगवान पहले ही बोलते थे टिकट करा के रख लो, अचानक नहीं मिलती है। अब सारे बच्चे पूछते थे तुमने क्या किया, कोई कहता था हम तो बोर हो गए, कोई कहता था घर वाले कहीं ले ही नहीं गए, और हमारे पास तो बोरियत का समय ही नहीं था, हमारी छुट्टियां ज़्यादा एग्जर्शन में बीतती थीं, सारा दिन भगवान दौड़ाते रहते थे, उनके साथ चलते रहो, सुबह सत्संग, दोपहर को किसी के घर, फिर भजन, फिर ज्ञान की वार्ता, फिर शाम का सत्संग, घूमते रहते थे। हम बोलते थे हमारे पास टाइम भी नहीं था, अब ये भी किसी को क्या बताएं कहाँ गए थे, पर बिजी हम बहुत थे, लोगों का टाइम पास नहीं होता था और हमारे पास टाइम बचता नहीं था। ये गुरु की मेहरबानी थी कि उसने अपने में मन रखवा दिया इतना, तो जिसने मन गुरु में रख लिया उसको फिर और कहीं मन लगाना नहीं पड़ेगा। कोई नया नया आता था, अच्छा अभी छुट्टियां हो जाएंगी, फिर तो आपके पास टाइम होगा, आप दो टाइम सत्संग करेंगे, ऐसा रखेंगे। हम बोलते थे हमारे पास छुट्टियां नहीं होती हैं, यहाँ से छुट्टी होते ही हमारी जॉब लग जाती है, ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, भगवान बुला लेते अपने पास, हम तुमको कहाँ अटेंड करें, तुमको कहाँ सुनाएं, तुम्हारे कहाँ घर में आएं, टाइम ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमको उनसे फुर्सत होएगी तो तुम्हें अटेंड करेंगे। तो जिसको ज्ञान से, गुरु से फुर्सत होगी वो मन को अटेंड करे, सीधी बात है भाई। अब किसी को कोई सोचता था अच्छा छुट्टियां होंगी तो आप हमारे यहाँ सत्संग रखना, तो हम बोलते थे आगे पीछे तो हो सकता है, छुट्टियों में तो पॉसिबल ही नहीं। अब अगर हम अपने को गुरु से खाली कर लेते फिर हमको रोज़ मन लगाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती, अच्छा शाम को तेरे घर रख लें, अच्छा पार्क में बैठें, अच्छा तुम सारे आ जाना, क्योंकि हम ही खाली हैं, गुरु के पास वक्त ही नहीं जाता हमारा, हमारा सारा वक्त अपने मन के साथ और अपने साथ जा रहा है, तो क्या करें फिर, फिर चलो मनोरंजन करें, ज्ञान से ही कर लें। लेकिन जिसका समय गुरु के साथ जा रहा है सारा, उसके पास समय ही नहीं। भगवान बताते थे, बोले हम पूरा समय गुरु की तरफ दौड़ते रहते थे, हमारे पास समय ही नहीं होता था निष्काम का भी। बोले जब गुरु के बाद हमने सत्संग पे ध्यान देना शुरू किया, उनके होते हुए तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, ये लेडीज़ करती रहती थी आपस में, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि हमें गीता भगवान से फुर्सत नहीं थी। तो यही बात है, मन भी समझो एक अजनबी है। अब इसके लिए भी तो टाइम वो निकालेगा ना जो अपने भगवान से फ्री होगा। अगर हम ज्ञान से फ्री नहीं, गुरु से फ्री नहीं, मन के लिए टाइम है ही नहीं। अब ये बच्चे जो यहाँ रहते हैं, अब इनके पास टाइम ही नहीं, सारा दिन तो हमारे साथ चलते रहते हैं, अभी कल आप भी चले, पर आपके पास टाइम था मन को सुनने का, मन आया कहाँ से आएगा, किसी के शब्द याद आए हों, बात याद आई हो, कुछ भी नहीं याद आएगा, क्योंकि पूरा समय तो आपका सुमिरन में ही चला गया, ज्यों सुबह से निकले रात हो गई लौटने में। अब बताओ ज़रा कहाँ मन, कहाँ बातें। सबसे अच्छी बात यही है, मन को भगवान से बिजी कर दो, इसके पास फुर्सत ही ना बचे। अभी ये भी तो कितनी बड़ी कृपा है हम लोगों पर, हमारे सामने साकार गुरु है, हम उसके साथ बिजी रह सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं, उसका साथ कर सकते हैं, तो हमको टाइम ही नहीं बचेगा किसी बात के लिए।
ना मन के लिए टाइम, ना लोगों के लिए टाइम, किसी के लिए टाइम नहीं। अब तुम यहाँ लिंक कम कर लो अपना, तब क्या होगा? अब तुम्हारा मन कहेगा चलो फिर मैं अपने इर्द गिर्द सत्संग ही करूँ, सुबह भी करूँ शाम भी करूँ, क्या करूँ खाली बैठे क्या करूँ। हम लोगों को एक दिन भी खाली मिल जाए तो हम लोगों के बहुत काम पेंडिंग होते हैं, और कुछ नहीं रेस्ट ही पेंडिंग होता है। हमें कभी भी नहीं लगता आज एक दिन खाली है, कहीं तो यूज़ करें, किसी के घर तो जाएं, कहीं तो सत्संग करें, लोग तो मिलें, कभी भी नहीं लगता, क्योंकि भगवान के साथ बिजी हैं। अब अगर आप अपने को भगवान के साथ बिजी कर दो, आपके पास फुर्सत ही नहीं रहेगी, कोई काम ही नहीं रहेगा। और ये सच है, अभी जब तक भगवान बैठे थे साकार में, सत्संग भी कहाँ ध्यान जाता था, किसी तरफ चल रहा था लेकिन कुछ पता नहीं होता था, कब आना कब जाना। अचानक ही बोल देते थे सुबह को ही आ जाओ, फलाने को कह दे गाड़ी ले आए, ये लोग सब हैरान हो जाते थे, अरे कल शाम के सत्संग में तो मिले थे, कब गए? सुबह 4 बजे गए, सुबह 3 बजे गए, कब लौटेंगे अब पता नहीं। सत्संग का भी होश नहीं था, गुरु के बैठे सत्संग का भी होश कहाँ रहता है? ऐसे लगता है उनकी तरफ दौड़ लें, उनसे ले लें, इस सब का तो क्या करना, माया ही है व्यर्थ की एक। तो सबसे अच्छा काम है अपने को भगवान के साथ बिजी करो। अगर आप अपने को भगवान के साथ बिजी नहीं करोगे तो आपको कोई ना कोई माया घसीटेगी, और माया जहाँ घसीट रही है वहाँ जीव भाव है ही सही। आप जितना मर्जी इनकार कर दो नहीं है, लेकिन है तो जीव भाव, है तो अहंकार, क्योंकि जहाँ मैं है तीन ही माया उसी को व्याप्ती है, जहाँ मैं नहीं है उसको कोई माया व्याप्ती नहीं है। तो जहाँ भगवान होगा प्रकाश होगा वहाँ अंधकार तो होगा ही नहीं। अब एक गली में भी अंधेरा हो निकलने में डर लगता है, पता ही नहीं चलता कोई कुत्ते पे पैर पड़ जाए, कहीं खड्डा हो, कोई गटर खुला हुआ हो, डर लगता है ना अंधेरे में निकलने में। लेकिन वहीं रोशनी हो आराम से क्रॉस कर जाते हैं, कोई संभावना ही नहीं है। तो जब हम गुरु रूपी सूर्य को हमेशा साथ रखते हैं, हम उसके साथ चलते हैं, तो हमारे पास और किसी बात के लिए टाइम ही नहीं होता है। बिजीनेस है, जहाँ बिजीनेस है वहाँ इजीनेस है। बाकी वर्णमाला के शब्द फिट करने कोई नहीं जाता, ज्ञानी भी नहीं करता ऐसा, वो तो एक बात समझाने के लिए कह दी जाती है कि सब वापिस कर दो। जैसे एक हार बना के कोई गले में डाल दे, अब तुम एक एक फूल ही अलग तोड़ के फेंक दो, हार खत्म हो गया ना। तो मतलब शब्दों के अर्थ में नहीं जाओ, शब्दों से फंसो नहीं, शब्दों में अटको नहीं, शब्दों के झमेले में मत पड़ो, तुम अपने भगवान से जुड़े रहो। अभी एक अच्छा नज़रिया आ जाए अंदर तो फिर कहाँ बातें रह जाती हैं। संत की बात सुनते हो कि जब उसको औरत ने गालियाँ दीं, उसने हर गाली का एक अच्छा अर्थ कर दिया, सीख गया वहाँ से भी, चला गया आगे। भगवान बुद्ध के मुंह पर किसी ने थूका, खड़े होके पूछने लगे उससे, आपको और कुछ कहना है या मैं चलूं? लोग हैरान हो गए, उसने कहा तो कुछ है ही नहीं। बोला कहा है, उसकी जो नाराज़गी है, जो उसका क्रोध है, शब्दों की सीमा भी लंघ गया। जहाँ तक वो शब्द बोल सकता था बोलता, अब उसका क्रोध इतना ज़्यादा है वो कहना उससे भी ज़्यादा चाहता है, तो उसने थूक दिया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ और कुछ कहना है या मैं चलूँ? कोई बात नहीं, अगले की नाराज़गी है उसने जाहिर कर दी, उसकी बात है उसने शब्दों से कह दी, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ गया? हर एक अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है ना, उसने अपनी बात कह दी, अब अगले को नाराज़गी है तो उसने नाराज़गी बता दी, प्रेम होता है तो प्रेम बता देता है कोई, क्या फ़र्क पड़ता है?
अब इस चीज़ को हम लोग देखें कि हम अगले की बातों को कितना भीतर ले जाते हैं। दो बात है, एक गुरु की बात है, एक संसार वालों की बात है। गुरु की बात को भीतर तक ले जाओ, चाहे तेरा मन कह रहा हो मैं गलत नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन गुरु की बात को भीतर तक ले जाओ और अपनी संवार करने की कोशिश में लग जाओ। और दुनिया की बातें अगर अंदर ले जाओगे, ये जाके अंदर काम ही ख़राब करने वाली हैं, इनका चिंतन बेकार का ही है। तो जैसे कई बार होता है, हम रास्ते से निकलते हैं, हमारे कानों में आवाज़ तो आती है लेकिन हम देखते हैं कोई दूसरे को कह रहा है, हम इग्नोर करके चले जाते हैं। कभी हम देखते हैं कोई बेचारा पागल आदमी है, वो बोलता जा रहा है, हम तो भी इग्नोर करके चले जाते हैं। ऐसे संसार की जितनी भी बातें हैं उनको इग्नोर करो, गुरु की बात पे कान दो। हाँ, अगर गुरु की बात पे कान नहीं दोगे तो पक्का आप संसार की बातों पे कान दोगे, ये पक्की बात है। एक जगह मन लगता है, अगर भगवान की बात पे कान देने शुरू करो, संसार की बातों में ध्यान नहीं जाएगा। और अगर संसार की बातों को आप कहते हो मैं नहीं पकड़ना चाहता हूँ, उसका उपाय यही है, भगवान की बात को पकड़ो। अब जो गुरु की बात को ना पकड़े वो संसार के अच्छे बुरे शब्द दोनों पकड़ेगा, कभी उसको प्रशंसा फंसाएगी, कभी उसको निंदा रुलाएगी, वो शांत चित योगी नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं होगा। उसके अंदर अच्छे और बुरे दोनों शब्दों का प्रभाव पड़ता रहेगा। दोनों ही प्रकार के शब्दों का प्रभाव कब खत्म होता है? जब हमारे अंदर गुरु की बात उतरनी शुरू हो जाती है, जब हम गुरु की बात के ध्यान में रहते हैं, गुरु की बात के चिंतन में रहते हैं, तो आप देखोगे आपसे भूलें होनी भी बंद हो जाएंगी, अपने आप ही नहीं होएंगी, क्योंकि एक बार आपको जागृत किया, अब आपके अंदर गुरु की बात घर कर गई, वो आपको दोबारा डिगने नहीं देगी, गिरने नहीं देगी। आपको गुरु की पसंद पता चल गई, अब आप अपने पूरे तन मन प्राणों से जोर लगा दोगे, मैं अपने को गुरु के अकॉर्डिंग बनाऊं, मैं अपने को ठीक करूं, मैं अपने को बना डालूं, आपका अभ्यास उधर शुरू हो जाएगा, आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी उलझने की किसी के साथ। क्योंकि गुरु का शब्द क्या है? गुरु का शब्द एक तो स्वरूप की जागृति है, दूसरा जो स्वरूप को अनुभव नहीं करने दे रहा है वो अज्ञान गुरु बताता है। गुरु के मुख से अगर तुम अज्ञान भी सुन रहे हो अपना, वो भी तुम्हारा सुधार करेगा, और ज्ञान का बोध तो गुरु वैसे ही दे रहा है। दोनों बातें भाई, ज्ञान का बोध जगाने के लिए अज्ञान की पहचान होना तो ज़रूरी है। अगर हमको अपना जीव भाव नहीं पता, हम आत्माकार वृत्ति कैसे बनाएंगे? अगर हमको अपने अंदर की सुख बुद्धि नहीं पता, हम संयम कैसे जगाएंगे? अगर हमें अपने अंदर के रस नहीं पता तो हम संयम ही कैसे हो पाएंगे? जिसको अपने अज्ञान की पहचान नहीं, उसके पास ज्ञान का बोध नहीं हो सकता है। सबसे पहले अज्ञान की पहचान होना ज़रूरी है। अब अगर मान लो ज्ञान का भी आवरण उड़ते आओ तो भी काम नहीं बनेगा। आप ज्ञान का आवरण तो ओढ़ोगे, लेकिन जो अज्ञान को नहीं पहचाना, आपका मार्ग गलत है, आपसे भूलें होती चली जाएंगी। लेकिन जब आप अपने अज्ञान को पहचान लेते हो तो ज्ञान की जागृति हो जाती है। अज्ञान का हटना ही तो ज्ञान का प्रकट होना है। अभी समझो ट्यूबलाइट जल रही है, हम ऊपर इसके काला कपड़ा डाल दें, रोशनी आनी कम हो जाएगी, लेकिन कपड़ा हटाते ही लाइट तो जली रही है ना। ऐसे ही आत्मा स्वयं प्रकाश रूप तो है,
लेकिन जो आवरण आ गए वो आवरण हटाने पड़ेंगे। जब तक ये आवरण नहीं हटेगा देह अध्यास का, होने पने का, जब तक ये आवरण नहीं हटेगा तब तक काम नहीं बनेगा। आवरण हटना ज़रूरी है। गुरु क्या करता है? आवरण ही हटाता है। अब कई बार हमको आत्मा का ज्ञान भी कैच हो जाता है, लेकिन जो अहंकार के आवरण हैं, माया के आवरण हैं, वो हम कैच नहीं कर पाते हैं। गुरु बार बार हमको उस आवरण की भी जानकारी देता है कि ये तेरा अज्ञान है, ये तेरा अंधकार है, यहाँ से तू गलत चल रहा है। और जब तक हम उसको कैच नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब शब्द तो शब्द है, गुरु का भी शब्द है, संसार वालों का भी शब्द है, लेकिन फर्क ये हो जाता है अगर हम यहाँ भी अभिमान लेके बैठते हैं तो शब्द में लग जाएगा और हम मौका ढूंढेंगे कि हम गुरु को भी प्रत्युत्तर दें। कई लोग इस तलाश में भी रहते हैं कि हमें मौका लगे हम प्रत्युत्तर दें कि हम तो गलत नहीं हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। इसका मतलब अज्ञान का बोध नहीं हो पाया, अहंकार बीच में आया, वो अज्ञान का बोध भी नहीं होने देगा। उसमें भी लगेगा नहीं मैं तो अपनी सफाई दूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, यही सब अंदर माया चलती रहेगी। पर अगर गुरु का शब्द भीतर उतर जाए तो आपका रास्ता सही होने लगता है, आपका मार्ग ठीक होने लगता है, आपको कैच हो जाता है मैं मूल भूल कहाँ से कर रहा हूँ। है शब्द ही अच्छा। अब अगर आपको गुरु का शब्द समझना आ जाए, आप देखोगे मैक्सिमम टाइम्स पर दुनिया वालों का शब्द भी हमें सिखा के ही चला जाता है, उलझते हम वहाँ से भी नहीं, हम वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं। अब समझो कोई अकारण ही नाराज होने लगा, मन का एक स्वरूप तो पहचान में आ ही जाता है, पता तो चलता है कितनी मैं होती है, कितना अभिमान होता है, कितनी बात होती है, उद्वेग नहीं आएगा। आप वहाँ से भी सीख लोगे, आप वहाँ से भी चढ़ लोगे, तो आपके लिए वो शब्द शिक्षा का शास्त्र हो गया। स्वामी बोधराज ने बोला अगर दुनिया के कड़वे शब्द मैंने धैर्य के कानों से सुने तो मेरे लिए वो शिक्षा के शास्त्र हो गए। अपने लिए अच्छा हो जाता है, हम समझ गए बात को, हम जागृत हो गए, हमें अंदर समझ में आ गई, तो उसमें कभी भी शब्द का विपरीत प्रभाव नहीं आएगा। विपरीत प्रभाव कहाँ पर है? जहाँ पर हमारे भाव विपरीत हैं, वरना विपरीत प्रभाव कोई यही नहीं। किसी की बात का भी विपरीत प्रभाव नहीं, क्योंकि विपरीत होने का कोई मतलब ही नहीं। जब प्रीत करनी आ गई तो विपरीत कैसा? कुछ भी विपरीत नहीं है, क्योंकि आखिर भी बनाना अपने को ही है। सामने जब तक आशा बंधी रहेगी दूसरों को संवारने की, सुधारने की, तब तक तो दिक्कत रहेगी। पर एक बार अगर समझ में आ जाए बात कि सही तो मुझे अपने को करना है, मुझे किसी के स्वभाव से उलझन नहीं होनी चाहिए, मैं फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मैं कूल माइंड होना चाहिए, मेरी शांति नहीं फिटनी चाहिए, मेरी समाधि नहीं फिटनी चाहिए, मेरा प्रेम गुम नहीं होना चाहिए, मेरी तरफ से कोई कर्म गलत नहीं होना चाहिए, अगर ये बात अपने अंदर समझ आ जाए फिर तो कोई बात ही नहीं है। बात सारी कहाँ हो जाती है? जब इच्छा आ जाती है, जब आप कुछ ना कुछ मांग सामने वालों से रख लेते हो, अब आपके लिए उलझन खड़ी हो जाती है। अदरवाइज आपके लिए कोई उलझन खड़ी नहीं है, क्योंकि आप तो जहाँ बैठते हो सीखते चलते हो, अनुभवी कैसे बनोगे? अगर चीज़ों को फेस ही नहीं करना आएगा अनुभव तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि रिएक्शंस होंगे। देखो रिएक्शन होगा
तो नई बात बनेगी। आज आपके घर में समझो दही जमा लो या मलाई रख लेते हो इकट्ठी करके, मक्खन बनाना है। अब एक प्रोसेस है मंथन का, है ना। अब दूध वाले के पास कभी दूध पिया हो कढ़ाई वाला, वो दूध को यूं ऊंचा करके डालता है। इस प्रोसेस से मक्खन नहीं निकल सकता, झाग तो बन जाएगी, मक्खन नहीं निकलेगा। मक्खन की अपनी प्रोसेसिंग है, मधानी लेके मथना पड़ेगा उसको, या मिक्सी में करोगे जैसे भी करो, फर्क होता है। बातें तो हम मथते हैं, ऐसा नहीं है कि बात अंदर उतरती नहीं, लेकिन प्रोसेस का फर्क हो जाने के कारण एक जगह आप अनुभवी बनोगे और एक जगह आप रिएक्शंस करोगे। प्रोसेस का फर्क है, बात तो अंदर गई आपके, लेकिन वो प्रोसेस क्या है। अब अगर आप दूध को यूं यूं करते रहो, मलाई को खराब कर लोगे, ना वो मलाई बचेगी ना वो मक्खन बनेगा, समझ ही नहीं आएगा ये चीज़ क्या है, आखिर लगेगा फेंक दें। पर अगर आपने उसमें मथानी चलानी शुरू कर दी, आप एक समय मक्खन निकाल लोगे। जो बात सामने आए उसका प्रॉपर मंथन होना चाहिए। मंथन में आपके पास अनुभव यूं निकलता है, एक तो जब शांत होते हैं अपनी भूल समझ आती है। सबसे पहला कटाक्ष अपने पे होता है, कहीं मेरे में तो कोई गड़बड़ नहीं, मेरे से तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई जो अगला ऐसा रिएक्शन दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात, विचार करते करते अपना स्वभाव भी समझ आता है, और कभी कभी अपने जीवन में ना भी हों वैसी बातें, एक अनुभव तो मिल ही जाता है, लेकिन प्रोसेस पे बहुत कुछ डिपेंड कर जाएगा। आप क्या कर रहे हो, चकला बेलन वही है, आटा वही है, आपने रोटी बेली या आपने पूड़ी बेली, आपने तवे पे सेका या आपने कढ़ाई में डाल दिया, प्रोसेस से कहानी बदल जाती है। खाली फुल्का है तो कोई भी खा लेगा, पूड़ी तो सोच समझ के खानी पड़ेगी, हम फ्राइड नहीं खाते, हमें डॉक्टर की मना है, हमें हार्ट की दिक्कत है। प्रोसेस का फर्क हो गया ना, ये बात हो जाती है। बात तो भीतर जाएगी, कोई जड़ हो नहीं गए, कान बंद हो नहीं गए किसी के, बात तो भीतर जाएगी, लेकिन अंदर जाके वो बात क्या रूप लेती है वो हमारे पे डिपेंड करता है। आज गुरु हमको इस मैदान में भी क्यों उतारता है, निष्काम के अनुभव मिलता है सारा का सारा। आज सत्वगुणी माया का अनुभव भी तो इस दायरे में आके मिला, और सत्वगुणी मैं का अनुभव भी मिलता है इस दायरे में घुस के। अब ऐसे लगेगा मैं नहीं है, लेकिन मैं फिर खड़ी हो तो जाती है, चाहे सत्वगुणी मैं ही क्यों नहीं है, मैं तो अच्छा करता हूँ, मैं तो मदद करता हूँ, मैं तो आ तो जाती है मैं। अब ये मैदान में भी गुरु उतारता है, सिर्फ अनुभव लेके वापस आ जाओ, ये नहीं कि कूद मरो वहाँ पे, सिर्फ अनुभव लेके लौटो, सत्वगुणी माया भी पहचान लो, सत्वगुणी मैं भी पहचान लो। और यहाँ पता चलता है रावण ब्राह्मण बन के कैसे आता है, यही मालूम पड़ता है। अगर गुरु उसकी नकाब नहीं उठाए तो शायद हम ना पहचान पाए, गुरु नकाब उठाता है तो हमको पहचान होती है, क्योंकि लगा ही क्यों, मैं उठ गई होगी कहीं ना कहीं, कुछ करता भाव आ गया होगा, फिर कुछ बन बैठा होऊंगा, इफेक्ट तो तभी हुआ ना, लगा तो तभी, फिर तभी अंदर वाले ने निर्णय लिया, ये करूंगा ये नहीं करूंगा, ये करता हूँ ये नहीं करता हूँ, ये ठीक है ये गलत है, कहीं कुछ आया होगा। अब अगर एक राइट दिशा में मंथन चल पड़े तो एक एक इंस्टेंस हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। आज देखो लीलाएं हैं भगवान की, जो रसिक हैं प्रेमी हैं, जो उनको भी छोड़ो, अच्छा गुरु की कोई बात है, अब जो प्रेमी हैं उनके पास तो उनकी हर बात पे व्याख्या है कि नहीं है,
अब प्रेम है गुरु से, उनकी हर बात पे ही व्याख्या है, जो उन्होंने किया, जो वो आए, जो हमने देखा, जो हमने समझा, नई से नई व्याख्या निकलती आती है हर रोज़। वही बातें सेम सेम हैं, पर एक ही बात के अर्थ हमारे पास कितने सारे हैं, क्योंकि पास रह के देखा, जीवन सुना, समझा। तो कह सकते हैं हम, एक एक हरकत में अनेकों बरकतें। आज इतना बड़ा भागवत बन गया, क्या था, जो रसिक हैं, प्रेमी हैं, उन्होंने भागवत लिखा, व्यास मुनि ने भागवत लिख दिया, सुखदेव मुनि ने भागवत सुना, उन्होंने भागवत का वार्ता किया। लेकिन फिर और जो प्रेमी निकलते आए, अब वो भागवत का एक एक इंस्टेंस लेके भी बहुत कुछ बता देते हैं। जैसे हम ही लोगों ने वेणु गीत पढ़े, गोपी गीत पढ़े, प्रणय गीत पढ़े। अब कहने को तो वो एक एक सेंटेंस था भाई, अगर 10 श्लोक थे तो 10 लाइनें हैं भागवत में, पर एक एक लाइन एक एक घंटे का सत्संग है। कैसे है? ये मनन मंथन का प्रभाव हो जाता है ना भाई। समझो हमारा भी गुरु से प्रेम था, अब हमने गोपियों का एक सेंटेंस ही पढ़ा, अब सामने रख के गुरु की और अपनी बात को देखो, तो कितना मर्जी लिख लो उसके ऊपर, कितनी मर्जी लंबी बात कर लो, समझ आता है। गोपी हृदय समझ में आया, क्यों समझ में आया, क्योंकि गुरु के संग चलते चलते वो सब चीज़ें जीवन में अनुभव हुई हैं, समझ में आया। अब ऐसे ही ज्ञान का भी हिसाब है, ये भी जब मनन का स्वभाव हो ना हमारा, मक्खन निकलता रहता है, चलते फिरते ज्ञानी अनुभव लेता रहता है, सब कुछ अनुकूल तो मिलने से रहा। जिंदगी में तुम चलोगे, सब कुछ तो अनुकूल मिलने से रहा, कि जो तुम चाह रहे हो वही मिल जाए, जैसा तुम चाह रहे हो वैसा मिल जाए, जो तुम्हें ठीक लग रहा है वही हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। बहुत फर्क होता है जिंदगी में, उतार चढ़ाव, खट्टा मीठा सब मिलता है। लेकिन बात यह है कि ये जो रहट की चींची हैं, मेरे घोड़े को इसमें पानी पीना आना चाहिए, चींची बंद नहीं होने वाली, मेरे कारण कोई स्वभाव भी नहीं बदलने वाला। और क्यों बदले, अगर मान लो सामने वाला स्वभाव बदल ले, आज आप किसी के स्वभाव की शिकायत करो, हम उसको कह देते हैं तू बदल इस व्यक्ति के लिए, अपने को बदल, ये तुम्हारी हार नहीं होगी। हम क्यों बोलें उसको बदल, हम तुम्हें कहेंगे तू अपना विचार बदल, तू अपना नज़रिया बदल, अगर तुझे गहरा होना है तो, तुझे जड़ पकड़नी है तो। बदलना तो बहुत आसान है दूसरे को, हम कह देते हैं भाई फलाना तू बदल जा, ध्यान रखियो उसके वो ऐसा बुरा ना लगे आगे से, बहुत ईजी है। लेकिन ये कितनी बड़ी हार होगी, हालांकि फॉर द टाइम बिंग तुम्हें लगेगा शायद मैं ठीक था, तभी तो उन्होंने भी सामने वाले को टोका, लेकिन तुम जिंदगी भर कच्चे रह जाओगे, अब पका नहीं सकोगे अपने को, मौका ही चला गया, कभी मौका बने ना बने। और ये अनुभव तुम्हें कैसे मिलेगा कि दुनिया सारी ठीक है, हमारी आंख गलत है, नज़रिया गलत है, इस बात को तुम कैसे धड़ल्ले से बोल सकोगे। अगर तुम इस कोशिश में लगे रहे, ये इसका कर्म बदले, इसका स्वभाव बदले, इसकी बात बदले, तो तुम तो इस अनुभव से वंचित हो। हमारा सुना शब्द बोल दोगे, पर तुम अनुभव से तो वंचित हो कि ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, बस नज़र अपनी बदलने से नज़र आते नज़ारे, ये बात कैसे अनुभव करोगे। फिर तो ये हुआ ना कि नज़ारे सेट करके तुम खुश होगे, फिर तो बात ये हो जाएगी कि नज़ारे सेट कर लिए हमने, फिर हम खुश हो गए। अब आजकल वो बनाते नहीं हैं, इग्लू हाउस बोलते हैं शायद, बर्फ़ के घर बनते हैं, अब आर्टिफिशियल वो बना देते हैं, गुफा सी बर्फ़ लगा देते हैं, बड़ा महंगे महंगे होटल मिलते हैं ऐसे, कहीं कहीं बनते हैं फॉरेन में शायद, तो वो फिर भी
पता है ना नकली है, फिर भी तो पता है, असली वाला स्वाद थोड़ी आएगा उसमें। वो जो गुफा आदि मानव की होती थी, जो उस पर बर्फ पड़ती थी, वो फीलिंग तो आने से रही, क्योंकि अंदर पूरा 5-स्टार होटल है, अंदर लाइटें भी लगी हैं, झूमर भी लगे हैं, सोफा सेट भी लगे हैं, बेड भी लगे हैं, सुख सुविधा का दुनिया भर का इंतजाम है, तो वो फील थोड़ी ले पाए। अभी तो नज़ारा सेट किया एक, ये हुआ ना। अगर मान लो हम दूसरों के स्वभाव सेट कर दें, फिर हमारा अनुभव तो कुछ नहीं, अनुभव शून्य हो गया हमारा। तो तुम्हें सीखना समझना हर बात से आना चाहिए, हर बात का राइट एटीट्यूड लेना आना चाहिए, और वही जो अंदर कंजर्वेटिवनेस रह जाती है, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे मार्ग का अवरोध बनती है। है तो और कुछ नहीं, हम कंजर्वेटिव माइंड के ही तो हो जाते हैं, अड़ गए हम तो क्या हो गए। ज्ञानी माना बहाव में, ज्ञानी माना फ्लो में, अड़ गया तो प्रवाह तो खत्म हो गया ना वहीं का वहीं। और जहाँ प्रवाह रुकता है वहाँ इंस्टेंस वर्ड्स इनकी परवाह शुरू हो जाती है, और इनमें कूदते ही हम गए काम से। इसीलिए स्मूथनेस अपने अंदर लानी पड़ती है। दूसरों की स्मूथनेस के पीछे मत जाओ, अगला स्मूथ है कि नहीं, अपने आप को स्मूथ करो। तभी गुरु ने विचार दे दिया कि उल्टा चलने वाला नौकर भगवान ने फ्री में दिया है तुम्हें, कोई बात नहीं, ठीक है, अब कभी तो नंबर आएगा ना। अब नंबर तो नामदेव का भी आ गया, सारे संत लाइन में बैठे थे, गोरा कुमार आया, अब वो डर रहा है मेरा नंबर ना आए, आ गया नंबर तो आना ही है। बचपन में स्कूल में नहीं इंजेक्शन लगते थे, तो लाइन में खड़े हो रहते थे, डर लगता था हमारा नंबर आते तक डॉक्टर चला जाए, इंजेक्शन कुछ भी नहीं होना, ना सामान खत्म होगा, पूरा लाया ही होगा, सुई तो लगेगी भैया, छोड़ेंगे तो नहीं, लगेगी। अब हो जाता है कभी कभी, तुम सोचते हो नहीं मेरे से कोई ना उलझे, मेरे से कोई ऐसा ना करे, तुम्हें भी अनुभव मिलना है, तुम्हें भी फुराटी पड़ेगी, खा के देखो पता चलेगा, कचोरे कचो या पकोरे पको, कच्चे हो या पक्के हो, मुस्कुरा सकते हो या उलझ जाते हो, जानते हो। कई बार होता है किसी का स्वभाव पता होता है, किसका स्वभाव ऐसा है, फलाने से उलझता है, ये फलाने से उलझता है, पर जिस दिन तुमसे उलझता है तुम उस दिन परेशान क्यों होते हो, क्यों परेशान होते हो? नहीं मुझे पता है, मेरे से पहले भी दो लोगों ने बात की है, उसका स्वभाव ऐसा है, अक्सर होता है ना ऐसी बात करते, तो इसका मतलब तुम उसके स्वभाव को जानते थे। अब नामदेव जान रहा है, सबको पढ़ रहा है, सिर में ठोक रहा है, लेके आया हुआ घर से थापी और वो ठोक रहा है, तो भाई जब इतनों को ठोकता हुआ आ रहा है तुझे भी ठोकेगा। तुम फिर सोचते हो शायद मेरा नंबर नहीं लगेगा, ऐसे कैसे हो सकता है, नंबर तो लगेगा, थापी तो पड़ेगी तुम्हारी खोपड़ी पे भी। अब देखो कितनी देर में चिंतन से खाली होते हो, देखो कितनी देर में अपने को फ्री कर पाते हो, कितनी देर उस जाल में उलझे रहते हो। ये देखो ये कभी कभी शब्द बोलने वाला बोल के चला जाता है, घर में देखते हो जेंट्स लोग गुस्सा करते हैं, वो बोल बाल के अपना नाश्ता खा के ऑफिस गए, उनके शाम को आएंगे पता भी नहीं बात थी कोई, और तुम सारा दिन उसको चक्की पीसते रहोगे पीसते, आज मेरा मूड ख़राब है, आज ऐसे बोल के चले गए, आज ये लड़के चले गए, तू पीस चक्की बैठ के जिसमें से गेहूँ भी नहीं निकलना। अब बोलने वाला शब्द बोल के मस्त हो गया, उसको पता ही नहीं मेरा स्वभाव गलत है, मैंने किसको हर्ट कर दिया, मैं डांट के आया, मैं कुछ कह के आया, उसको पता भी नहीं, और तुम पूरा दिन अपना, तुम्हें जब जब बात याद आएगी उद्वेग आएगा, जब जब बात याद करोगे चिढ़ जाओगे, गुस्से में आओगे, खुंदक में आओगे, चिढ़ोगे, मेरे को गलत कह दिया, मेरे को ऐसा कर दिया, मेरा झूठा नाम लगा दिया, मेरा सच्चा नाम लग, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो अंदर, लेकिन कुछ भी नहीं, फिर हुआ क्या, हमको समझ ही नहीं आया, समझने की ज़रूरत ही नहीं थी, थापी पड़ी एक, बस टेस्ट हुआ, आया था गोरा कुमार, बस एक थापी मार गया वो, और कुछ भी नहीं हुआ, तो हैरान परेशान क्यों हो जाते हो, क्या मेरे को समझ ही नहीं आई, बात थी क्या, मुझे समझ ही नहीं आई, समझने की ज़रूरत ही नहीं है,
समझ ही तो नहीं आई थी नामदेव को वहीं से दो पिटा, समझ ही तो नहीं आई। कहते पागल लोग हैं क्या, ज्ञानियों की सभा ऐसी होती है, ऐसे मारते हैं क्या एक दूसरे को, यही तो समझ ही तो नहीं आई। पिटा, थपी भी खाई, भागा भी सही, और आके पहुंचा भगवान के पास व्यथा सुनाने, तो भगवान ने भी कहा तूने मुझे हर रूप में नहीं पहचाना। यही तो हुआ, तुम्हारे साथ भी यही होता है, समझ ही नहीं आई बैठे बैठे क्या हुआ, समझ ही नहीं आई उसका मूड कैसे चेंज हो गया, समझ ही नहीं आई अगला मेरे पीछे क्यों पड़ गया, समझने वाली बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, बस एक थापी पड़ी। भगवान ने कहा बड़े दिन हो गए ज्ञान सुन रहा है, एक थापी मार के देखता हूँ क्या हुआ, क्या होता है इसके अंदर, रिएक्शन होता है कि नहीं होता है। बस सोचो गोरा कुमार ने थापी मारी है। अब गोरा कुमार उनके साथ भक्त मंडली में नहीं था, बाहर का गेस्ट था वो, जैसे तुम्हारे यहाँ बुलाते हैं तभी तो तुम्हारे यहाँ रीत चली, बोर्ड के एग्जाम लेने बाहर से आएंगे, इन्विजिलेटर बाहर से आएंगे, ये वहीं गोरा कुमार से सीखा इन लोगों ने कि गोरा कुमार बाहर से बुलाओ, वो आके टेस्ट लेगा तो सही टेस्ट लेगा वो, वहाँ पता लगेगा कौन संत है कौन संत नहीं है, वो उनकी मंडली का थोड़ी था। तो ये कोई ज्ञान थोड़ा सुनता है, सही बात है, तभी तो बाहर का आया। कभी इंटरनल्स होते हैं तो अपना टीचर ही पेपर ले लेता है, कभी कभी आपस में एग्जाम हो जाता है एक दूसरे से, कभी कभी बाहर से कोई आ जाता है, लेकिन हुआ और कुछ भी नहीं, हैरान परेशान मत तो, कुछ भी नहीं हुआ, गोरा कुमार आया था थापी मारी उसने, अब तुम बताओ कच्चा या पक्का, तू अपना रिजल्ट बता दे। तुम्हें उद्वेग आया, तुम्हें विक्षेपता हुई, कच्चो रे कच्चो, और अगर सही मायने में तुम्हें विक्षेपता नहीं हुई, तुम्हारा अंदर वाला कूटस्थ शांत छोड़ पाता है बात को, बस बात को जितनी जल्दी छोड़ने का सामर्थ्य है उतना ज्ञान है, उतना ही ज्ञान है, जितनी जल्दी अपने को उस बात से छुड़ा पाओ, उसका चिंतन अव्वल तो आना नहीं चाहिए, अब आ भी गया देखो कितनी जल्दी छूटते हो बात से, बस इतनी पहचान है, और ज्ञान कोई लंबा चौड़ा थोड़ी है। यही है वर्णमाला के शब्द फिट करना, कि आपने अपने को प्रभाव से बाहर कर लिया, असल में आप प्रभाव में आ जाते हो, हर बात के प्रभाव में, हर चीज़ के प्रभाव में आप प्रभावी तो उठते हो, बस अपने को प्रभाव से हटा लो, अपने को प्रभाव से खाली कर दो, तो आपको कोई उलझन नहीं होगी। प्रभाव क्यों पड़े किसी के व्यवहार का, किसके शब्द का प्रभाव क्यों पड़े? आप अपने भगवान में मस्त रहो। जब घर में शादी ब्याह होता है ना, तो कितनी बार कुछ खरोच आ जाती है, जल जाता है, कुछ नहीं पता चलता। जब शादी निबट जाती है फिर पता चलता है यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ क्या हुआ। ऐसे जब कोई बिजी रहता है ना अपने भगवान में, साकार गुरु के मिलने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जब हमारी प्रीत उनसे जुड़ी रहती है, हम उनके पीछे भागने में ही मस्त रहते हैं, परवाह ही नहीं होती दुनिया के कांटों की, चीज़ों की, मारों की, कुछ परवाह नहीं होती, मगन हो जाते हैं अपने आप में, मस्त हो जाते हैं अपने आप में, और क्या चाहिए, किस बात में उलझना, किस बात में फंसना, किस बात में अटकना, कोई अटका सकता ही नहीं। जगत का बंधा गुरु छुड़ाए, गुरु का बंधा कोई ना छुड़ाए। गुरु अपने प्यार में ऐसा बांध देता है, संसार की परवाह खत्म हो जाती है, बंधेंगे तो क्या, अटकेंगे तो क्या, किसी भी माया में उलझेंगे तो क्या, कोई बात ही नहीं। हर बात से फ्री रहते हैं, यहाँ की माया से भी फ्री रहते हैं, क्योंकि सब कुछ उनका, सारी खोज खबर उनको, सारी रिपोर्ट उनको, भगवान वहाँ बैठे रहते थे, खबर यहाँ की रखते थे, सारी पूरी खबर होती थी। हमको शुरू में सिखाया उन्होंने, हम चिट्ठी लिखते थे केवल अपनी बात लिखते थे, आदत नहीं थी, ऐसे लगता था हम क्यों लिखें दूसरे की बात। एक बार भगवान ने बोला तुम सत्संग का हाल चाल तो लिखते ही नहीं हो, वो भी लिखना है। हाँ,
फिर लिखना शुरू किया, फिर बताते थे कोई नया जुड़ा, कोई रेगुलर, कोई इरेगुलर, कोई कैसा, पर समझ में आ गया कि हमको सब रिपोर्ट देनी है। आए दूसरे दिन चिट्ठी में सब लिख के भेजना है उनके पास, उससे अपना दिमाग खाली हो गया। कोई आए, कोई ना आए, कोई बैठे, कोई छोड़ जाए, फ्री। तो गुरु ने बांध लिया तो जगत में कोई नहीं बांध सका। अब गुरु का बंधन ना स्वीकार करो फिर जगत बांधने लगेगा। और जहाँ रहो अगर ये समझ के रहो, मैं उनके बिहाफ पे काम कर रहा हूँ, मैं उनका हूँ, तो तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं उलझाएगा। क्योंकि जब हम पर्सनल लेवल पे आ जाते हैं फिर हम अटकते हैं। पर्सनली चलोगे तो पर्सनली तो तुम्हारी ईगो भी है, पर्सनली तो तुम्हारी अपने वैल्यूज़ भी हैं, पर्सनली तो तुम्हारी अपनी सोच भी है, पर्सनली तो बहुत कुछ हो जाता है ना। हम उस दिन किसी के यहाँ गए, किसी चीज़ का वो आउटलेट खोला है, जैसे ये आजकल पिज़्ज़ा वीज़ा और ये सब होता है ना, ऐसी शॉप थी। तो हमने उनसे पूछा, बोले यहाँ पर कोई भी काम कंपनी के परमिशन के बिना हम नहीं कर सकते। तो अगर उनको हमको भी खिलाना था तो बिल निकालना पड़ रहा था। हमने कहा ऐसे, बोले ऐसे हम एक चीज़ भी इशू नहीं कर सकते, चाहे वो पे हम करें लेकिन बिल निकलेगा, इसका बिल निकालना पड़ेगा। हर काम कंपनी के उससे होएगा और उनको खबर होएगी हर चीज़ की, कम ज़्यादा, नफ़ा नुकसान, और उन्हीं का तौर तरीका चलेगा। यहाँ तक कि बोले सेटिंग करने भी उनके लोग आए दुकान पे, वो आउटलेट अपनी तरह से सजाएंगे, अपनी तरह से बनाएंगे, हमारी मर्ज़ी नहीं चलेगी, पैसा हम खर्चेंगे लेकिन होगा सब उनका। तो हमको एकदम गुरुजी की बात याद आ गई कि भगवान बार बार हम लोगों को यही समझाते थे, काम तुम करोगे लेकिन काम मेरा होगा। अब जब उनका समझ के, तो बीच बीच में छापा भी मारते थे, अपनी दुकान देखने आते थे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे सत्संग चल रहा है, इसीलिए सब उनसे जुड़े रहते थे, बातचीत भी होती रहती थी। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं होता। अब अगर पर्सनल लेवल पे चलोगे, तुम्हारी ईगो भी टकरा सकती है किसी से, पर्सनल लेवल पे चलोगे तुम्हें कुछ पसंद आएगा, कुछ नहीं भी पसंद आएगा। लेकिन जब पर्सनल लेवल कोई नहीं, ये भी एक तरह से अपना अहंकार गंवाने वाली बात होती है कि मेरा पर्सनल कुछ नहीं, जो कुछ है सो तौर। एक शब्द होता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तौर, लेकिन चलते हम अपने अकॉर्डिंग रहते हैं। लेकिन एक सचमुच होता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, तो उसमें तुम्हारा पर्सनल लेवल पे कुछ वॉच करने का भी नहीं रहेगा ना, कि मैं चीज़ को वॉच करूँ। अच्छा, पर्सनल लेवल पे क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। तो एक बात होती है कि जो हमसे कहा जा रहा है हमको वो करना, जितना हमसे कहा जा रहा है हमें उतना करना है, ये फ़र्क हो जाता है। उसमें तुम अपनी नहीं चला पाते, लेकिन जब पर्सनल उस पर आ जाते हो फिर अभी तो लगेगा कि मैं गुरु को अर्पण करके ही कर रहा हूँ, कब बन बैठोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, कब तुम्हारी अपनी मैं निकल आएगी पता ही नहीं चलेगा, कब तुम फिर अपने हिसाब से सब सेटिंग करने लगोगे गलत हो जाएगा, जहाँ चले तुम्हारा मार्ग गलत होने लगेगा। इसीलिए हमेशा अंदर ध्यान रहे कि मैं उनके बिहाफ पे कार्य कर रहा हूँ, मैं उनका पार्ट हूँ, तुम अलग नहीं होने चाहिए। तुम्हें हरदम ये फीलिंग रहे मैं गुरु का पार्ट हूँ, और गुरु को भी ये फीलिंग रहे कि मेरा पार्ट है। आज मेरा हाथ है तो मेरी मर्जी उंगली चलाऊं या रोकूं, हाथ आगे करूं या पीछे करूं, गुरु के पास ये अख्तियार हमेशा होना चाहिए। अगर गुरु से ये अधिकार छिन जाए या गुरु अपना अधिकार यूज़ ना कर पाए, तुम समझ लेना तुम अहंकार में डूबे हुए और तुम गलत हो। लेकिन जब तुम्हें भी फीलिंग रहे कि मैं उनका पार्ट हूँ और उनको भी ये फीलिंग रहे तुम उनका पार्ट हो, तो तुम राइट डायरेक्शन में हो। उसमें फिर तुम्हारे पास किसी शब्द की माया नहीं, किसी बात का प्रभाव नहीं। तुम्हें एक बात पता होगी, मुझे जैसा कह रहे हैं मुझे वैसा चलना है।
मुझे कह रहे हैं मिटने को तो मुझे ही मिटना है, ध्यान नहीं जाएगा दूसरे की तरफ, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये कैसे चलता है, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे उनका काम करना स्मूथली, उलझने की नौबत ही नहीं आएगी। पर्सनल लेवल पे उलझन होती है, अदरवाइज उलझन नहीं होती। पर्सनल लेवल पे अगर चलोगे फिर उलझन आ जाएगी तुम्हारे पास, अदरवाइज नहीं है। अब कोई लड़का हो सकता है होटल में जॉब करे, नॉनवेज नहीं भी खाता, पर अगर होटल में ऑर्डर है तो बनाना तो होगा ना, सर्व भी करना होगा। हाँ, जब उसके खाने की बात आएगी तब भले वो वेजिटेबल वाली साइड चला जाए, वेजिटेरियंस की तरफ, कि नॉन वेज हम नहीं खाते। पर्सनल लेवल पे बात आई तो अड़ आ गई, होटल लेवल पे बात आई कोई मतलब ही नहीं। जो ऑर्डर है भाई ठीक है, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, होटल वालों की तरफ से है, हमको तो बस बना के देना है, बीच में हमको क्या करना। ये एक फर्क होता है, गुरु के लिए काम करना, गुरु के लिए चलना, फर्क होता है। अब कई बार भगवान भेजते थे, कोई एरिया डिस्टर्ब होता था, कुछ होता था, भगवान भेजते थे, जाओ बात करो, सत्संग भी करना, बाद में उन लोगों को लेके बैठो। एक दो बार किसी शहर में भी भेजा ऐसे जहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस थी, लेकिन वहाँ जाके ये थोड़ी लगा कि हम अपने से आए हैं। एक ही फीलिंग होती थी, उन्होंने भेजा है, अब उनका काम करना है, सॉल्व करनी है बात, सबको सेट करके जाना है, स्मूथ करना है सब, यहाँ पर ये आता था दिमाग में। फिर जब भगवान से मिले, भगवान ने हालचाल लिया, होके आए हो, कैसे, क्या रहा, बताया सारा, तुम क्या सोच रहे थे। भगवान एक ही फीलिंग थी, आपने भेजा है और जो एटीट्यूड आपने दे के भेजा है, चल पूरा होए काम, सिर्फ यही फीलिंग थी। बोले रोज़ अपने सत्संग में भी ऐसे बैठना, मुझे समझना मेरा एटीट्यूड क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, उससे एक कदम बार मत जाना। तुमको कभी ज़िंदगी में कोई माया नहीं घेरेगी। ये फर्क हो जाता है ना जब हम कुछ बन जाते हैं, फिर हम ये सोचने लगते हैं हम और तुम, हम और तुम नहीं। जैसे लड़की मायके जब तक आती है हमारा ही मान के आती है, उसको लगता है मेरा इस घर पर हक है। वो एक अलग बात है कि भाभी के थोड़ा वो हाव भाव थोड़ा उसको उलझा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह सकती ये तुम्हारा घर, ये मेरा घर, हमेशा ये रहता है ये तो हमारा घर, मेरी माँ का घर है। भाभी से भी उलझ जाती है कभी कभी, मेरी माँ का घर है, हमारा घर है। ऐसे जब तुम पार्ट होके चलते हो ना गुरु के, तो तुम्हें ये फीलिंग रहेगी हमारा, हमारा घर है, हमारा कार्य है, हमें सब स्मूथ करके चलना है, हमें तरीके से चलना है। अपने अंदर तुम्हारे एकदम देखोगे फीलिंग्स का ही चेंज आ जाएगा, और वही फीलिंग्स लेके चलनी होती हैं, अदरवाइज उन्नति नहीं हो पाती, अवनति शुरू हो जाती, क्योंकि मेरा तेरा शुरू हो जाएगा, उलझन हो जाएगी। पर उसमें तुमको हमेशा लगेगा मैं तो उनका पार्ट हूँ और सब कार्य हमारा ही है, चाहे तुम्हें जिस शहर मर्जी भेज दिया जाए, तुम्हें लगेगा ये हमारा ही कार्य है, हमें इसको ऐसे स्मूथ चलाना है, हमें ये ठीक करके चलना है। ना कभी किसी से ये फीलिंग आएगी कि हम किसी का तमाशा देखें, ना कभी अंदर राग द्वेष की भावनाएं आएंगी, ना कभी कुछ भला बुरा मान के छोड़ के बैठोगे, पर ऐसे लगेगा जैसे उनकी मेहनत सफल करनी। आज कितने लोगों से भगवान ने मेहनत की, हमें इतनी फीलिंग आती है अगर कोई मिल जाता है पुराना, हम सोचते हैं गुरुजी ने बड़ी लागत लगाई है, हो सके तो हम चढ़ा दें, हो सके तो हम मेहनत कर लें इसके साथ, क्योंकि उनका और मेरा कोई काम बटा हुआ तो है ही नहीं, उन्हीं का कार्य तो चलता आ रहा है, उन्हीं का काम चलता आ रहा है ना, तो लगता है अगर हमसे कोई चढ़ सकता है हम चढ़ा दें, अगर कोई उठ सकता है हम उठा दें, उनकी मेहनत सफल हो जाए, उनका कार्य सफल हो जाए। तो ऐसा एक पार्ट होके, और उसमें कभी गुरु को ये फीलिंग नहीं आती कि हमारा कुछ अलग उनका कुछ अलग,
अब भगवान कभी हम लोगों का नाम लेके नहीं बोलते थे इनका सत्संग, किसी को भी वो बोलते थे हमारा सत्संग होता है उधर, भले बता देते थे ये वहाँ करता है, पर कभी हमने नहीं सुना बोले इसका सत्संग होता है वहाँ, बोलते ही नहीं थे ऐसा शब्द, वो अपना ही मान के चलते रहे हमेशा। और कोई भी जाता था आता था, कभी उन्होंने किसी प्रेमी से भी ऐसी बात नहीं करी कि हम कहें कभी किसी से कोई ऐसी बात कही हो उन्होंने, उसका ये अलग उसका वो अलग, कभी भी नहीं, क्योंकि सब खबर उनके पास पहले होती थी। बल्कि एक बार किसी ने झूठ बोला जाके, कोई सत्संग करते थे यहाँ, कोई बात के लिए प्रसाद का कुछ था तो उन्होंने झूठ बोल दिया जाके कि उसने अपनी मर्जी से बनवा लिया 7 जून पे प्रसाद, भगवान भरे सत्संग में चिल्ला पड़े। हमारे प्रेमी गए हुए थे, उन्होंने आके बताया, एकदम से गुस्से में आ गए, बोले ये मैं मान ही नहीं सकती, मैं नहीं मानूंगी ये बात। और क्योंकि फ़ोन उनके पास पहले ही जाता था, 2 फ़ोन जाते थे, एक पहले जाता था बताइए क्या करना है, और दूसरा वो बोलते थे सबसे डिसाइड कर लो, सबसे डिसाइड करने के बाद हम बताते थे कि भगवान ये डिसाइड हुआ है ऐसे कर रहे हैं। बोले पहला फ़ोन तो मेरे पास आता है, मैं मान ही नहीं सकती, इतनी बड़ी लेडी थी गुरुजी ने उसको सत्संग में बोल दिया आप झूठ बोल रही हैं। तो ऐसा गुरु का भी विश्वास होना चाहिए हम लोगों में कि हम जहाँ भी बैठे हैं हम उनका काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, सबको उनसे जोड़ रहे हैं, सबकी उनसे प्रीत बढ़ा रहे हैं, ये उनको भी फीलिंग होनी चाहिए, उसमें फिर तुम निकलते जाओगे। अदरवाइज तुम्हारा पर्सनल मैटर जहाँ आया, कभी तो तुम्हें प्रशंसा घेर लेगी और कभी तुम्हें फिर कुछ विपरीत होगा, चिढ़ मच जाएगी वहाँ से, फिर मन कहेगा मुझे कुछ चाहिए क्या, क्यों नहीं चाहिए, मेरे को अपने भगवान की मेहनत सफल करना चाहिए, मुझे उनकी प्रसन्नता चाहिए, मुझे उनकी रजामंदी चाहिए, मुझे कीमत है उनके प्यार की, उनके बातों की, उनकी मेहनत की, मेरे को सबको कीमत करा के रहनी है, मेरा जीवन किस लिए, और हम कोई सेवा नहीं कर सकते, रोटी कितने लोग बनाएंगे, हम तो ये सोचते थे हम लोग और कोई सेवा तो कर नहीं सकते, पर इस सेवा से हम पीछे हटेंगे नहीं, ये सेवा तो हमें करनी है, हर दिल में उनकी तस्वीर तो लगानी है, उनकी मेहनत को सफल तो बनाना है, उनके प्यार को सफल तो बनाना है, ये मेहनत तो हमें करनी है। और क्या हो गया इसमें हम कुर्बान भी हो गए तो, क्या हो गया इसमें हमको कुछ सहना भी पड़ गया तो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा इसमें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये खुशी होगी कि मेरे भगवान के काम आ सका मैं कुछ हेल्प कर सका, मैं कोई उनके योग्य बन सका थोड़ा सा भी कहीं से। वैसे तो उनके काम वो आप करते हैं, उनके काम वो आप चलाते हैं, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो पाए तो धन्य तो मैं हो जाऊंगा ना, मैं धन्य हो जाऊंगा इसमें। तो इस तरह की भावनाएं लेके, इस तरह के फीलिंग्स लेके हमेशा आगे चलना चाहिए, कभी भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं, नेगेटिव थाट्स नहीं, हमेशा बड़ी पॉजिटिविटी लेके। जैसे घर में देखो कोई बाप का बिजनेस हो तो बच्चे किस में लग जाते हैं, अपना काम बढ़ाने में, वो ये भी नहीं कहते हमारे पापा का काम है, हमारा काम है, हम कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, भले पता होता है पापा के अनुसार सब होगा पर फिर भी आगे होके करते हैं। इसी तरह से हमारे अंदर भी हमेशा एक चढ़ी हुई फीलिंग रहे, और उनके नज़रिए से देखोगे ना तुम कभी कुछ इग्नोर करने की नहीं सोच पाओगे, कभी किसी चीज़ से हटने की चिढ़ने की नहीं सोच पाओगे, लगेगा नहीं, अगर अपने बिजनेस में कहीं भी दिक्कत आ रही हो ना, मार्केटिंग की भी दिक्कत आ रही हो, तो जवान बच्चा आगे होता है बोलता है मैं जाऊँ इसके साथ मार्केटिंग करने, मैं कर आता हूँ, उसका ये भाव होता है ना कि अगर दिक्कत आ रही है तो हम करके आगे चल के अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करें। तो भगवान का कार्य कैसे एस्टेब्लिश हो जब हम लोग भी मेहनत करें, उसमें ये नहीं लगेगा ये गंदा ये ऐसा इसको छोड़ इसको ऐसा, हो ही नहीं सकता, सब तो मेरे भगवान के बच्चे हैं,
अगर हमारा कोई भाई बहन पढ़ाई में ही निल होता था तो जब अपनी पढ़ाई कर लेते थे उसकी हेल्प करने बैठ जाते थे, चल अच्छा हाँ तेरे को मैं पढ़ाऊँ, मम्मी खाना बना रही है ना इधर आ जा मैं पढ़ाऊँ, हेल्पिंग हैंड देते हैं ना, वही हेल्पिंग हैंड में हमेशा सबको ऑफर करते हुए चलना। बड़ा समझदार होता है, छोटा जिद में भी आया अच्छा ले ले मेरी चीज़ भी ले ले, चुप कर कलेश ना मचा घर में, बेकार मम्मी कल पेगी तेरे कारण, खा ले तू खा ले, दे देते हैं ना चीज़ अपनी। इतने समझदार हमें इस कार्य में भी होना पड़ता है, उन फीलिंग्स के साथ चलना पड़ता है, उसको निष्कामता कहते हैं। ये तो गलत परिभाषाएं सबने बना ली हैं निष्काम की। निष्काम माना जब मैं अपनी मैं के लिए नहीं अपने भगवान के लिए कार्य में हूँ, जो कुछ है उनको अर्पण करता चल रहा हूँ, वो है असली निष्काम। असली निष्काम ही यही है कि सब कुछ उनके अर्पण है, शब्दों से नहीं हकीकत में अर्पण है। शब्दों से तो अर्पण हम बचपन से करते आए हैं आरती में, तन मन धन सब तेरा, लेकिन जब हकीकी अर्पण होता है तब बात बनती है। जैसे अपने शहर में तो मेहनत करती हो, पर कहीं भी बैठो मेहनत कर सको, कहीं भी बैठो कुछ बुरा ना लगाओ, कहीं भी बैठो सबको राइट वेज दे सको, वो चीज़ होनी चाहिए अंदर में। अपने शहर में तो मेहनत करती हो, एक एक को ले आते हो, जोड़ते हो, त्योहारों पे भी कितना मोटिवेट करते हो, नहीं चलो नहीं ऐसे करो। कल भी वहाँ गए, सभी लोग कह रहे थे, हम आए हुए थे गुरु पूर्णिमा पे, आधे तो मेरे को हालांकि याद नहीं थे इतनी भीड़ में, पर सभी कह रहे हम भी आए थे, हम भी आए थे, हम भी आए थे। अब 3-4 घंटे की दूरी से कैसे आए, ज़रूर अगले सत्संग करने वाले ने मोटिवेट किया होगा ना कि चलना है, सबको चलना है, चलो, फ्री किया होगा, छुड़ाया होगा, साथ लिया होगा, खुद तो पहले आ गए थे, बल्कि सबको बोला होगा जाना है तुम्हें। तो ऐसे जब अपने शहर में हम मेहनत कर सकते हैं, ऐसी इतनी इतनी दूरियों से भी हम सबको बुला सकते हैं, गुरु से जोड़ सकते हैं, मिलवा सकते हैं, मेहनत तो नेचुरल है अगले की होगी, हम तो यहाँ बैठे नहीं बुलाने गए किसी को, मेहनत तो अगले की रही होगी इतनी ज़बरदस्त कि एक शहर से कोई एक भी नहीं कह रहा कि मैं नहीं भी आया था, सारे के सारे ही पहुँचे हुए थे, बड़ी बात है, मेहनत ही तो होगी ना। तो अगर हम एक दूसरे के गुण देखें, क्वालिटीज़ देखें, तो फिर लगेगा ना जहाँ थोड़ी बहुत अगर कुछ रह रही है कमी, चलो हम लोग मिलके पूर्ति कर देते हैं, बड़ी बात हो जाती है। तो खाली वर्णमाला में फिट नहीं करने, वो तो इग्नोरिंग एटीट्यूड हो गया, लेकिन चीज़ों को सही रूप भी देना, सही तरीके से कर देना चीज़ों को, वो फिर वर्णमाला में ही चले गए शब्द अपने आप। आई बात समझ में?